चौला तक वहाँ बैठना चाहिए। आम आदमी पार्टी में से बनी हुई अन्ना जा रहे और वो जो क्या नाम उसका। नमस्कार दोस्तों, योगेश शर्मा हूँ मैं और आप देख रहे हैं बाघर टाइम्स। मैं इस समय अर्की के दाड़ला घाट में मौजूद हूं और सीमेंट उद्योग के बाहर गेट के बाहर एक मीटिंग चली है। ट्रांसपोर्टर यहां बैठे हैं और मीटिंग ये है, आज उद्योग के तरफ से इन्हें बुलाया गया था और पहली मर्तबा यानी 14 दिसंबर को यहां तालेबंदी हुई थी और उसके बाद आज पहली बार आज बैठक के लिए ट्रांसपोर्टरों को बुलाया गया था कंपनी के अंदर। हालांकि इससे पहले भी बैठकों का दौर रहा है, नेता यहाँ पहुंचे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, सभी नेता यहाँ पहुंचे हैं और इन सब की जो बातें हैं वहाँ रखने की यहाँ प्रयास किया था। आज यहाँ एक मुख्य बैठक रखी गई थी और उद्योगों के साथ उद्योग के जो यहाँ नुमाइंदे थे वो लोग थे और यहाँ से ट्रांसपोर्टरों की तरफ से 8 सोसाइटियों के लगभग 10 से 12 लोग वहाँ बैठक में गए थे और वो बैठक में वहाँ क्या करके आए हैं, क्या बैठक हुई, ये तमाम चर्चा हम यहाँ से यहाँ जो भी नुमाइंदे यहाँ से बनकर गए थे इनसे हम बात करेंगे। क्या वहाँ बैठक रही है और क्या बैठक में निकल के आया है, क्या रेट पे बात बनी है या नहीं बनी है, या अगले दौर की बैठक होनी है या क्या नहीं होनी है, ये तमाम जो प्रश्न आपके दिमाग में इस समय घूम रहे होंगे इन तमाम प्रश्नों का जवाब हम इनसे जरूर लेंगे। रामकिशन जी हमारे बीच बैठे हैं। रामकिशन जी बहुत बहुत स्वागत आपका बागर टाइम्स में। धन्यवाद सर। बैठक थी, बहुत दिनों बाद एक बैठक आपकी उद्योग के साथ हुई है, यानी मैं ये कहूंगा जब से 14 दिसंबर को ये तालेबंदी हुई थी उसके बाद आपके साथ पहली मर्तबा ये उद्योग ने आपको बैठक के लिए बुलाया था। सर किस तरह की बैठक रही, क्या? देखिए बैठक तो ये दूसरी बैठक, इससे पहले एक बैठक पंचकुला में भी हो चुकी है। सर उद्योग में आपकी पहली? हाँ, उद्योग में फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई है। उस इनके इन्हें यही मैनेजमेंट के लोग थे जो पंचकुला में भी थे और जो पंचकुला का डिजिट और आज का जो फिगर है हल्का फुल्का वेरिएशन है, लेकिन कंपनी ने जो अपना फार्मूला है कंपनी उस फार्मूले को सुझा रही है। आज हमने अपना फार्मूला सजेस्ट किया है जो कि लगभग 55-56 दिन की स्ट्राइक में फर्स्ट टाइम हमने अपना फार्मूला इनको सजेस्ट किया कि अब जो बातचीत होगी वो 10-58 प्लस जो 1419 की हाइक है ऑनवर्ड उसके वो लगभग 13.40 के आसपास बनती है, 42 हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी और कोई आपके साथ बातचीत नहीं होगी। सर जैसे कि पिछले दिन मैं आप तो बरमाना भी बैठक हुई थी, 11 रुपए 2 पैसे पे वहाँ बात हुई है, तो सर आपने कहाँ तक ये बात की है कि आप कितने रेट पे मानने को यहाँ तैयार हैं? बरमाना में तो वही 6.5-8.5 का आंकड़ा इन्होंने कल बताया था। हाँ। आज भी अभी लास्ट स्टेज तक वही आंकड़ा इन्होंने अपने हमारे पास अपने पत्ते नहीं खोले। लास्ट में जब हम वहाँ से बाइकआउट करके आने लगे तो उसमें इन्होंने 9 रुपए 1 पैसे का कहा और उसमें भी ये कहा कि ये अनऑफिशियल होगा, तो हमने भी अपने जो सजेशन थे हमने दे दी कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो 13 रुपए 42 पैसे की बन रही है, इसी के ऊपर चर्चा होगी। अब इन्होंने दोबारा सेकंड फेज में हमारे कुछ साथी जाएंगे जिसमें कि वो जो हमने कैलकुलेशन की है 13.42 की, वो उसका बेस क्या है, वो फार्मूला आज तक इन्होंने समझा ही नहीं था, ना इनको इसका कोई ज्ञान था कि दाड़ला घाट का एग्जिस्टिंग फार्मूला क्या है, इनके प्रेडिसेसर कौन से फार्मूले पे काम कर रहे हैं, उसका बेस क्या था। आज वो फार्मूला इनको समझ में आया है, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए हमारे लोग अभी उसी के कंटिन्यूशन में अभी सेकंड फेज में 3-4 बजे अभी कुछ लोग जाएंगे, सभी नहीं जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे जो उस फार्मूले को उनको समझाएंगे और उसके बाद इनका अगला क्या रुख रहेगा हम इसका वेट करेंगे। सर क्या लगता है ऐसे जिस तरह का इनका रवैया था या जिस तरह का इनका रुख था, कुछ सार्थक चर्चा हो सकती है भविष्य में कुछ ऐसा? नहीं, कंपनी का जो असल में जो अभी तक एटीट्यूड है, कंपनी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं कर रही है। कंपनी राजस्थान का कंपैरिजन, पंजाब का कंपैरिजन, हिमाचल हिल स्टेट से कर रही है और इनका जो अभी तक ट्रांसपोर्टर्स को बदनाम कर रहे थे कि पंजाब और हरियाणा और राजस्थान में ये आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े अगर प्लेन से देखें, अगर प्लेन में 4.5-5 रुपये आंकड़े तो हम लगभग 5.29 रुपये में प्लेन में हम भी उसी में काम कर रहे हैं। तो एक हमारा हमें डिफेम किया जाता था कि ये इनका फ्रेट स्ट्रक्चर ज़्यादा है, ज़्यादा फ्रेट लेते हैं, हिलका हमारा फ्रेश स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन प्लेन के जो आंकड़े हमसे कंपैरिजन होता है वो तो उसमें वेरिएशन कुछ नहीं होता, बराबर ही जो पंजाब हरियाणा और राजस्थान के और
दाड़ा घाट वालों को तो इक्वल है बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें अभी कोई फार्मूला समझ आ पाया है। ये अभी जब तक परिस्थितियों के हिमाचल के हिली टेरेन की जो सर्कमस्टांसेज है उसको नहीं समझेंगे तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। मैं समझता हूँ अभी तक ये फ्रूटलेस है और वही रहेगी आगे भी अगर नहीं इन आंकड़ों को समझते। शुक्रिया। आप कृष्ण शर्मा जी से, ये लैंड यूजर के पूर्व में प्रधान रहे, पंडू शुक्ला जी हमारे साथ है। आप भी बहुत जब यहाँ आंदोलन रहता है तो उस आंदोलन में आपके हाथ में माइक जरूर रहता है और आप कन्विंस बहुत ज़्यादा लोगों को करते हैं। सर, ये आंदोलन अगर ऐसे ही चलता रहा क्या उम्मीद है आपको, ये आंदोलन रुक सकता है? अगर चलता रहा तो क्या इसमें रणनीति आप बदल सकते हैं? दिया था अंदर आने के लिए तो वहाँ पे बात चल रही है अभी। ये थोड़ी बात वार्ता जो अभी लंच टाइम तक इनकी हुई वो तथ्य इन्होंने हमारे पास बताए, अभी फिर इन्हें दोबारा अंदर बुलाया गया है। अब शाम तक देखो क्या होता है। जो आपने माइक पकड़ने वाली बात कही, मैं तो चाहता हूँ माइक नहीं पकड़ना चाहते हैं हम तो काम। मैं आपके साथ से फिर से ये क्लैरिफिकेशन कर दूँ, ये माइक पकड़ने का मैंने ये कहा, आप कन्विंस पावर आपकी बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ से ट्रांसपोर्टर बहुत से इकट्ठे हो जाते हैं, मेरा मकसद ये था। बहुत बहुत शुक्रिया पंडू शुक्ला जी, धन्यवाद। हमारे साथ SDTO के प्रधान है कौंडल जी। सर, ये जैसे कि इन्होंने ब्रीफ किया, आज मीटिंग थी और अभी फिर से एक बैठक और होनी है, आप क्या कहेंगे सर? कुछ सार्थक आपको ये चर्चा जो हुई उससे, चर्चा से कुछ लग रहा है आपको, ये आंदोलन बढ़ेगा या जो दूसरी दौर की बैठक होगी उसमें कुछ निकल के आएगा या कुछ आपको उम्मीद है? हमारी तो कंपनी से यही बात हुई, हमारा जो 95 से एग्रीमेंट के तहत और सिद्धांतों के तहत जो कार्यप्रणाली रेट रिवीजन के बारे में चली रहती है, कंपनी को हमने यही सुजेशन दी है भाई आप जो है कागजों के कैलकुलेशन पर कार्य करें और हमारी जो ट्रांसपोर्टरों की जो कैलकुलेशन है उसको समझने की कोशिश करें। तो मुझे ऐसे लगता है भाई कंपनी का जो एक सार्थक रवैया सामने आया है तो ये हमारी जो भी हमारी कैलकुलेशन बनती है उस कैलकुलेशन को समझने के लिए तैयार हैं। शायद अभी हमारी 4 बजे के आसपास इस कैलकुलेशन के बारे में कंपनी के साथ नेक्स्ट चर्चा होगी, तो कुछ शायद हो सकता है, उम्मीद है कि कुछ कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। बालक राम शर्मा जी हैं हमारे साथ, आप राजनीतिक से प्रेरित भी हैं मैं ये नहीं कहता, हालांकि यहाँ ट्रांसपोर्टर हैं सभी, एक ट्रांसपोर्टर एक ही पार्टी के कहूँगा मैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक इस थोड़ा सा पॉलिटिकली भी आपसे एक व्यू चाहूँगा, व्यूज आपके चाहूँगा। ये पिछले दिनों जैसे यहाँ संजय बस्ती जी भी आए थे और सांसद भी आए थे, तो उनसे कुछ क्या निकल के आया था या उनसे कोई बात हुई थी? उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था, उस आश्वासन पर भी खड़े उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे? एक और मैं आप इसमें ऐड करूँगा, यहाँ सांसद जी ने ये कहा था कि प्रदेश सरकार अगर हाथ अपने खड़े कर दे तो हम कुछ काम करेंगे। आपकी कहीं ना कहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आइडियोलॉजी आपकी कहीं ना कहीं इस बीजेपी से मिलती है, तो क्या बीजेपी के कुछ टॉप लीडरशिप जो है उनसे कोई आपकी चर्चा हुई है, इस बारे में कोई बात हो रही है? देखिए, जहाँ तक संजय बस्ती जी की या कांग्रेस गवर्नमेंट की बात है, तो जो अभी तक का रवैया रहा है कांग्रेस का वो तो कहीं ना कहीं सपोर्टिंग लगता है, ट्रांसपोर्टों के फेवर में है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो जमीनी स्तर पर शून्य रहा है। क्या हालात रहे ये तो सरकार को बेहतर पता होगा, लेकिन सरकार कंपनी प्रबंधनों को मनाने में नाकामयाब रही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि भाई वो ट्रांसपोर्टर का हित नहीं होने देंगे, इसके लिए प्रयास करेंगे, और बस्ती जी भी ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन आज 56-57 दिन का ये हमारा आक्रोश का समय हो गया है। तो सरकार की ओर से कोई भी ऐसी जमीनी स्तर पर, जिसको मैं कहूँगा, कोई परिणाम सामने नहीं आए जिससे ऐसा लगता हो कि कंपनी कहीं सरकार की बात मान नहीं हो। रही बात बीजेपी की, तो बीच में हमने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे इस क्षेत्र से सांसद भी है श्रीमान सुरेश कश्यप जी, वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने, जैसा आपने खुद ही कहा, उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई जब सरकार नहीं कुछ कर पाएगी तो आप हमसे संपर्क करें, हम दिल्ली में आपकी बात रखेंगे। इस संदर्भ में 5-6 लोग अभी 5 तारीख को ऊना जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई उसमें गए थे और वहाँ पर हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली जाने पर 6 तारीख को दिल्ली गए उसके 1 या 2 दिन में वो समय लेकर हमें दिल्ली बुलाएंगे और जैसे ही वो हमें आदेश करेंगे वैसे ही हमारे यहाँ से 10-20-30 लोग यहाँ से 10-20-30 लोग ब्रह्माणा से दिल्ली भारतीय सरकार से मिलने जाएंगे और प्रयास करेंगे
कि भारतीय सरकार भी इसमें इंटरवीन करके हमारी समस्या का समाधान करवाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी उम्मीद आपको यह है कि जैसे सांसद ने कहा होगा कि आप वहाँ आए तो शायद अगर यहाँ से कुछ बात नहीं बनती है तो शायद केंद्र की जो सरकार है वो सरकार कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप करके एक आपके बच्चा का निर्णय। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और शिक्षा हमारे पास सर आप भी कुछ कहेंगे। ये बैठकों का दौर चला है, काफ़ी दिनों से आंदोलन है, 56 दिन आज हो गए हैं, आपकी तरफ से क्या रहेगा एक ट्रांसपोर्टर होने के नाते आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर जो है बहुत पैसा ज़्यादा पैसा वसूल कर रहा है, जिससे कि सीमेंट की कीमतें बढ़ रही है और ये कंपनी को लॉस हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों की सोसाइटी में काम करते हैं, सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक पार्ट है और इसमें सारे लोग मेंबर्स होते हैं, इसमें कोई इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं होता। इंडिविजुअल जो होता है वो सोसाइटी के माध्यम से ही गाड़ी चलाता है और गाड़ियों का जहाँ फ्लीट की बात है, फ्लीट जो डिटरमिन करती है गवर्नमेंट डिटरमिन करती है और उसके साथ ही कंपनी की व्यवस्था के मुताबिक ही आगे गाड़ियों के लिए जो है टोकन दिए जाते हैं और वही गाड़ियाँ चलाई जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये भ्रामित किया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर लूट रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्टर यूनियन में मैं बात मान सकता हूं, पर हमारी यूनियन नहीं है, हम लोग सहकारी सभाओं के सदस्य हैं और यहां पर सहकारी सभाएं ही काम करती है। सहकारी सभाओं में सभी लोगों के बराबर के अधिकार होते हैं और उनके सेट प्रोसीजर और बायलाज के मुताबिक काम करती है और इसमें सरकार का ऊपर से पूरा प्रबंधन के ऊपर जो है उनका नियंत्रण रहता है। इसमें यह कह देना कि भाई ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज़ या ट्रांसपोर्ट यूनियन को हम बीच में नहीं लेते। यूनियन होती है इंडिविजुअल की और ये सोसाइटीज़ होती है सभी सहभागियों की, तो इसलिए जो है इसमें जो है हम लोग जो है एक आदमी के लिए अगर कुछ करते हैं तो हम पूरे समाज के लिए करते हैं और पूरा समाज अगर उठता है तो पूरा देश प्रदेश के लिए जो प्रगति होती है। इसलिए ये कहना कि भाई ट्रांसपोर्ट का कोई ज़्यादा इसमें सुप्रेसिंग चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर उम्मीद क्या रखेंगे आप जैसे अभी 4 बजे और बैठक में मौजूद? हाँ, मैं उस बैठक में मौजूद था और एक रे ऑफ होप आई है और संभावित है कि क्योंकि गतिरोध को बहुत लंबा समय हो चुका हुआ, 55 दिन हो चुके हुए, इसलिए एक ही सिंगल स्टेच में ये फैसला हो जाए इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हम 2-4 बार बैठेंगे, ये गतिरोध को कुछ ना कुछ हम ओवरकम करने की स्थिति में आ जाएंगे। और कंपनी के रवैये से भी आज बड़ा भारी एक तरह से हमारे को एक कॉर्डियल मिला है और हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों ने भी पूरा सहयोग दिया है। दोबारा हम 4 बजे बैठेंगे, 4 बजे के बाद में जो भी कुछ होगा उसका बाद निर्णय ले लिया जाएगा और आशातीत है हम के भी बहुत जल्दी 1 या 2 राउंड में जो है इसका कोई ना कोई हल निकल जाएगा। यह मैं एक और बात ऐड करूंगा, यहाँ मान लीजिए देखिए अगर 4 बजे तक अगर कोई 4 बजे की बैठक होती है या मान लीजिए आपको फिर से बुलाया जाता तो क्या आंदोलन का ये भी तैयारी है? जैसे 20 तारीख की आपने एक अनाउंसमेंट कर रखी है कि 20 तारीख को महापंचायत होगी। देखिए आंदोलन की जहाँ तक बात है, आंदोलन का जो निर्णय लिया जाता है वो तो कोर कमेटी लेगी और वो तो मौके के मुताबिक देखा जाएगा। हम तो आशातीत है, हम तो होपफुल है कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा ताकि आंदोलन ना करना पड़े। बाकी जहाँ तक रही बात उसके बाद आंदोलन की तो वो किस रूम में होती है वो तो फिर सब लोग बैठेंगे उसमें निर्णय लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ ट्रांसपोर्ट है जिनसे मैं बात कर रहा था। यहाँ पर उप प्रधान जी भी हैं धारला घाट के। उप प्रधान जी, आपकी पंचायत में पिछले 56 दिनों से बड़ा आक्रोश चल रहा है, क्या लग रहा है? और मैं ये भी देख रहा था यहाँ गेट के आसपास बहुत सा सन्नाटा है, जहाँ यहाँ रौनक हुआ करती थी आज यहाँ सन्नाटा पसर गया है, क्या कहेगा? स्वाभाविक है सन्नाटा रहेगा ही, क्योंकि 56 दिन आज हो गए जो प्लांट पे तालाबंदी हुई है इतने दिनों से। तो अभी प्रमुख लोगों से भी आपकी बात हुई है तो मैं एक जरूर बताना चाहूंगा कि अडानी ग्रुप जो कंपैरिजन कर रहा है प्लेन और हिल में, तो ये समझनी चाहिए इनको बात कि प्लेन और हिल में बहुत अंतर है। अब आपकी अगर गाड़ी प्लेन में चलती है तो वह नुकसान कम होता है, आपके टॉप गियर में चलेगी उससे कम में चलेगी, लेकिन यहाँ उतराई और चढ़ाई बहुत ज्यादा होती है। तो हमारी जो गाड़ियां हैं
वो हमें हाँ उसमें फर्क होता ही होता है, नुकसान भी ज्यादा करती है, टायर ज्यादा घिसता है। आपने नोट की होगी कभी बात, अगर आप गए होंगे तो आपने नोट किया होगा कई जगह में हमारी कई जगह टक्करों में जहाँ चढ़ाई ज्यादा होती है गाड़ियां खड़ी होती है, कईयों के हिस्से टूट जाते हैं, कईयों के गेट टूट जाते हैं। हिल एरिया में नुकसान ज्यादा है, इसलिए वो कंपेरिजन उससे ना करें, हमारा प्लेन से ना करें। वो हिल यहाँ की परिस्थितियों को देखें, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि अभी तक कंपनी मैनेजमेंट को हमारा फॉर्मूला ही समझ नहीं आया। ये आज हमारा फॉर्मूला अगर समझती है तो हम तो चाहेंगे कि अगर हमारे को हमारा सही रेट मिल जाता है तो हम काम करेंगे, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हेमराज जी थे और ये कह रहे थे, यानी तमाम ट्रांसपोर्टरों से और इन पदाधिकारी से हमारी बात हुई, ये सभी ये कह रहे थे कि उम्मीद है कि 4 बजे जो बैठक होगी वो बैठक एक सार्थक होगी और उस बैठक में जो निकल कर आएगा वो कहीं ना कहीं इन सभी के लिए सुखद परिणाम हो, ऐसी इन्होंने उम्मीद जता रखी है। ताकि ये बैठक, मैं फिर से आपको बता दूं, आप ये दाड़ला घाट से भी सीधी तस्वीरें देख रहे थे और दाड़ला घाट में ट्रांसपोर्टर के साथ बैठा था। आज इन्हें 56 दिनों बाद यानी उद्योग के अंदर बैठक के लिए बुलाया गया था, हालांकि इससे पहले इन बैठकों का दौर हुआ था और लेकिन आज पहली मरतबा उद्योग के अंदर इन्हें बैठक के लिए बुलाया गया था और वहाँ बैठक में जो निकल के आया वो सामने सबने ये तथ्य रखे हैं कि आज इन्हें एक चर्चा जो उनके साथ रेट को लेकर हुई है, हिल्स और प्लेन के रेट को लेकर जो चर्चा हुई है, सारी तमाम चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद अब फिर से इन्हें 4 बजे और बैठक के लिए बुलाया है। अब 4 बजे की बैठक में क्या निकल निर्णय निकल गया था वो भी हम आपके सामने यहाँ बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए बागल टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का जो हमारे साथ है, आप इसे फॉलो जरूर करें, लाइक जरूर करें, कॉमेंट जरूर करें और कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर हमें अच्छे कॉमेंट करें और ऐसे कॉमेंट हमें जरूर करें जाकि जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले। यानी आपके कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत, मैं पहले भी यही कहता रहा हूँ कि आपके कॉमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन कॉमेंट्स का कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि इस कॉमेंट पर हम काम करें ताकि आपको अच्छे से अच्छी खबरें दिखा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।